So hey guys, this is Kamil and you're watching K Production YouTube channel. So guys, BN app के अंदर recently एक अपडेट आया था एंड जिस अपडेट मैंने किया, अपडेट करने के बाद मैं देख रहा था BN app के अंदर कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं. तो मैंने देखा जहां पर Shaky इफेक्ट्स पहले हमें मिलता था वहां पर कुछ नए नए Shaky इफेक्ट्स ऐड किए गए हैं एंड जो कि काफ़ी कमाल का Shaky इफेक्ट्स है. जो पहले Shaky इफेक्ट्स मिलता था उनसे भी बेस्ट Shaky इफेक्ट्स अभी ऐड किया गया है. तो मैं आपको दिखाया है इस वीडियो पर किस तरीके से आप उन्हें यूज कर सकते हो. तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक और स्टार्ट कर. तो ये आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर. सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को एक बार ओपन कर लेना है, ठीक है. गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है BN लिख के, ठीक है. उसके बाद आपके सामने आ जाएगा BN ऐप. तो BN ऐप अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है. तो उससे आप अपडेट कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया हो तो, और अगर आपने ऑलरेडी अपडेट कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है. तो यहाँ से हमें सिंपली ओपन कर लेना है. ओके, ओपन करने के बाद आपको नीचे प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है. सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे. उसके बाद आप यहाँ से अपना एक वीडियो को इम्पोर्ट करेंगे. तो चलो यहाँ से हम इस वीडियो को लेके आ जाते. ओके, उसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है. तो हम आ जाएंगे BN वीडियो एडिटर के अंदर. तो सबसे पहले इस पार्ट को आप क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे. ओके, अभी अपनी वीडियो के बीच में स्प्लिट कर लेना है, ठीक है. अब स्प्लिट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है. आप देख सकते हो इफेक्ट्स. तो सिंपली आप इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपको यहाँ पर नीचे कुछ न्यू इफेक्ट्स दिखाई दे रहा है. यहाँ पर आपको जितने भी इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हो, इनसे भी इफेक्ट्स पहले नहीं था, ठीक है. पहले सिर्फ इतना ही इफेक्ट्स था, ठीक है. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इफेक्ट्स है वही इफेक्ट्स था पहले, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कुछ न्यू इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा. जैसे कि आपको यहाँ पर फ्लिकर इफेक्ट्स मिलेगा या ब्लिंक इफेक्ट बोल सकते हो. इसके अलावा व्हाइट ब्लिंक इफेक्ट आपको मिलेगा. तो काफ़ी कमाल का इफेक्ट्स है. और सबसे अच्छा जो इफेक्ट्स मुझे लगा इस बार ऐड हुआ है वो इन सभी इफेक्ट्स है, ठीक है. आप देख सकते हो. तो इसमें आपको कुछ ऐसा रोटेशन देखने के लिए मिलेगा. तो आप देख सकते हो काफ़ी गजब का इफेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. और आप इस इफेक्ट्स का आई गेस इसका जो ड्यूरेशन उसे आप बढ़ा भी सकते हो, जहाँ भी से बढ़ा सकते हो, ठीक है. तो ये मैंने इसका जो ड्यूरेशन है बढ़ा लिया. अभी हम सिंपली कर देते हैं डन. और अभी हम देखते, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो पर इफेक्ट्स ऐड हो चुका है. यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड हो चुका है इस कर्सर की लेफ्ट साइड पर, ठीक है. तो यहाँ पर चलो हम एक बार प्ले करके देखते हैं कि कैसा इफेक्ट्स हमारे वीडियो पर ऐड हुआ है. तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा इफेक्ट्स हमारे वीडियो पर ऐड हुआ है. तो ये काफ़ी कमाल का इफेक्ट्स है, ठीक है. अभी चलो दोबारा हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेते और यहाँ पर हम और एक इफेक्ट्स ऐड करते. जैसे कि इस पर हम ये वाला इफेक्ट्स ऐड करेंगे या ओके, इस बार हम इसको एक बार ऐड करके देखते और इसका टाइम ड्यूरेशन को हम बढ़ा कर लेते, ठीक है. तो करीब हम इससे 2.20 सेकंड या, तो आप देख सकते हो स्पिन इन के नीचे आपको इसका ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है कि इस इफेक्ट्स का ड्यूरेशन कितना होगा. सो ये मैंने अप्लाई कर लिया. तो आप देख सकते हो ये हमारा पहला इफेक्ट्स और ये सेकेंड इफेक्ट्स. तो इसे हम एक बार प्ले करके देखते हैं, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट्स मिलेगा. और यहाँ पर आप चाहो तो और भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि मल्टीपल इफेक्ट. और बाकी हम देखते हैं कि कोई ट्रांजेक्शन ऐड हुआ कि नहीं. तो ट्रांजेक्शन मेरे हिसाब से कोई भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट नया ऐड नहीं हुआ है. तो ऐड करना चाहिए था, तो वही पुराना हमें मिलता है. तो बस इन सभी इफेक्ट्स नया ऐड हुआ है, ठीक है. और आप चाहो तो वही पुराना इफेक्ट्स को भी आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो. तो चलो हम इस पर कोई पुराना इफेक्ट ऐड करके आपको दिखाता हूँ. लाइक इसमें आप कुछ ऐसा इफेक्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन पुराना वाला से ज़्यादा बेटर है नया वाला इफेक्ट्स, ठीक है. इसमें आपको एक काफ़ी स्मूथ सा इफेक्ट्स मिलता है. तो ये आप देख सकते हो. ओके, तो ये हमारी वीडियो पर इफेक्ट्स अप्लाई हो चुका है. तो आप देख सकते हो हमने इफेक्ट्स अप्लाई कर लिया, नया इफेक्ट्स देख लिया. और वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आप इस कॉर्नर पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन अभी आप यहां से जो है अपनी वीडियो को कौन सी रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कि हम यहां पर 2K को चूज़ करेंगे और उसके बाद हम सिंपली डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. तो ये हमारा जो वीडियो आप देख सकते हो
नीचे रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। तो बेसिकली इस तरीके से आप न्यू इफेक्ट्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो BN के अंदर, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।